चलिए आज बनाते हैं मात्र एक चम्मच घी में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वेजिटेबल टिक्की। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए हमने दो खीरा लिया है, एक गाजर लिया है, तो ये 40 से 50 ग्राम शिमला मिर्च है और ये 1/4 कप हमने लिया है स्वीट कॉर्न। तो इन सबको हम कद्दूकस करेंगे। तो मोटा वाला कद्दूकस लेंगे और उसमें पहले हम खीरा कद्दूकस करेंगे। तो सारा हम कर लेते हैं। तो आप इसमें अपने मन पसंद से जो आपको पसंद है सब्जी वो डाल सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी डाल सकते हैं, या फिर बारीक बारीक बीन्स काट के डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पनीर डाल दीजिए। तो जो सब्जी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं इसमें। और बच्चों को सब्जी खिलाने का ये आसान तरीका है, ऐसे खा लेते हैं, और वैसे दीजिए तो नहीं खाते हैं, बहुत आनाकानी करते हैं। तो देखिए हमारा सारा घिस के तैयार हो गया। और इसमें पानी है ना, खीरा में ज़्यादा पानी रहता है, बाकी सब्जी में तो थोड़ा कम रहता है लेकिन खीरा में ज़्यादा रहता है। तो देखिए ऐसे हम हाथों से दबा दबा के बढ़िया से निचोड़ लेंगे ताकि सारा पानी हमारा निकल जाए। तो देखिए हमने सारा निचोड़ के तैयार कर लिया है। और ये जो पानी बचा है ना, इसको हम छान के रख देंगे आटे में, बाद में हम आटे में यूज कर लेंगे, या फिर आप कोई सब्जी में भी डाल सकते हैं, इसको फेंके नहीं। तो देखिए अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें ये सारी सब्जियां डाल देंगे और एक बारीक बारीक एकदम बारीक बारीक काट के हम टमाटर डालेंगे। तो देखिए हमारा टमाटर भी कट के तैयार हो गया। अब हम इसमें 1/4 कप स्वीट कॉर्न डाल देंगे, ये बॉयल स्वीट कॉर्न है। और एक चम्मच हम डालेंगे घिसा हुआ अदरक, और ये 3-4 हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 बड़े चम्मच हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। एक चम्मच हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला, आप चाहें तो इसके जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं या फिर गर्म मसाला डाल सकते हैं। और इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे ताकि टेस्ट और भी अच्छा है। और अब हम इसमें 1/2 कप डालेंगे बेसन, और ये 1/4 कप डालेंगे चावल का आटा, और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं ना, तो इसके जगह पे आप चाहें तो ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड भी आपको अगर पसंद है तो उसमें डाल सकते हैं, पर अगर हेल्दी बनाना है तो ब्राउन ब्रेड डालिए। और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम लास्ट में नमक डालेंगे। नमक लास्ट में इसलिए डालेंगे ताकि सब्जी अब पानी ना छोड़े, नहीं तो पहले डालिए तो पानी छोड़ने लगता है। और अगर आपको गीला लग रहा है तो थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सब्जी ज़्यादा पानी छोड़ने लगता है तो बेसन कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बाइंड करके देख लेंगे कि हमारा बन रहा है कि नहीं। देखिए अच्छे से बन रहा है। आप चाहें तो गोल गोल बना के अप्पे में भी थोड़ा सा घी तेल लगा के सेक सकते हैं, और आप चाहें तो टिक्की बना सकते हैं। तो चलिए हाथ को साफ करेंगे और उसके बाद हम हाथों में घी या तेल लगाएंगे। और देखिए ऐसे चाहें तो सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे टिक्की। तो चलिए टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। ऐसे पहले गोल करके ऐसे दबा के टिक्की के शेप में बना लें। तो देखिए ये हमारी एक टिक्की तैयार हो गई। ऐसे ही हम सारा टिक्की बना के तैयार कर लेते हैं। और ये बच्चों के टिफिन के लिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी रहता है ना, तो ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। फटाक से सब्जियां कद्दूकस करिए और बेसन वेसन मसाला डाल के फटाक से तैयार कर लीजिए। तो चलिए ये हमारी सारी टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं गैस के पास। पैन में हम एक चम्मच घी डालेंगे। ये देखिए एक चम्मच घी से ही हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम ये एक एक करके जितना हमारी टिक्की इसमें आएगी हम डाल देंगे। डाल देते हैं सारा, और इसका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि सारी सब्जियों का मिक्स है, और बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं, बहुत मजे लेके खाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक साइड से सिक चुका है। अब हम ये दूसरा साइड पलट देंगे और इसको ऐसे दबा दबा के बढ़िया से सेक लेंगे। इसको दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए बढ़िया से सेक लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसको सेकने में लगभग 7 से 8 मिनट लग गया है हमें, और फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। तो देखिए ये हमारी सारी टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया देखने में लग रहा है, स्वाद में भी बहुत बढ़िया है।
और देखिए इसी घी में हम बनाएंगे, और घी डालने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है तो इसी में डाल के सारा टिक्की को सेक लेंगे। तो लीजिए ये हमारी वेजिटेबल टिक्की बनके तैयार है। इसे आप बच्चों को टिफिन में दें, या फिर सुबह नाश्ते में बनाएं, या फिर चाय के साथ खाएं, बहुत मजेदार मस्त टिक्की है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये टिक्की आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।